हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। आज हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, नाम में सब कुछ है जी, नाम में आपको सब मिल जाएगा। तो सिंगुलर एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक। तो कोई भी ऐसा नाउन जो कि हमें एक चीज़ के बारे में बताता है, एक नाउन के बारे में बताता है, उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे पेन, टेबल, चेयर, गर्ल, फ्लावर। क्यों? क्योंकि ये सब हमको एक नाउन के बारे में बता रहे हैं। और ऐसा नाउन जो कि हमको एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है, उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे बॉक्सेस, शूज़, गर्ल्स, फ्लावर्स, कैंडल्स। तो है ना आसान? तो अब आप एक काम करिए, एक नोट पैड लीजिए, बाहर आराम से चेयर लगाइए, बैठ जाइए, नोट पैड पर दो कॉलम्स बनाइए, एक साइड लिखिए सिंगुलर, एक साइड लिखिए प्लूरल, और अपने आगे पीछे नाउन्स को देखते जाइए। जो नाउन आपको सिंगुलर लगता है वो सिंगुलर के कॉलम में लिखिए, जो नाउन आपको एक से ज़्यादा लगते हैं उनको प्लूरल के कॉलम में लिखिए। है ना आसान? कुछ मुश्किल तो नहीं है? तो मैंने कहा था ना, नाम में सब कुछ है जी। अब हम करें प्रैक्टिस। ओके, लेट्स सी। तो ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से आपको इनमें नाउन्स को फिल करना है। हाउ मैनी डैश आर देयर इन अ वीक? मैनी यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल नाउन। तो ऑप्शंस में देखिए, डेज इज गोना बी द राइट ऑप्शन। आई वेंट टू द जू टू फीड द डैश। मुझे पता है आप लोग जू घूमने गए होंगे बहुत बारी। तो क्या है इसमें राइट ऑप्शन? चिकन्स। बिल्कुल सही पहचाना। ओके, आई सॉ मैनी डैश एट द डॉग पार्क। तो मैनी यानी कि दोबारा प्लूरल की बात हो रही है। तो डॉग पार्क में क्या मिलेगा भाई आपको? कुत्ते ही मिलेंगे ना, डॉग्स। ओके, द डैश वॉक्ड टू द असेंबली। हम लोग जाते थे ना असेंबली में स्कूल टाइम में, तो हमारा हमको क्या बोला जाता था तब? स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल नाउन। ओके, आई हैड टू वेयर द डैश टू सी द वॉल। जिनकी भी नज़र कमज़ोर है भाई, वो तो आराम से इसको फिल कर लेंगे। क्या आएगा ऑप्शन? ग्लासेस। माई डैश केम फॉर माई बर्थडे पार्टी। करते हैं ना हम सेलिब्रेट किसके साथ करते हैं? फ्रेंड्स के साथ, है ना? तो फ्रेंड्स क्या है? दोबारा प्लूरल नाउन है। तो अब आप समझ गए, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू यूज ईदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन। डिपेंडिंग अपॉन जो भी सिचुएशन आपको दी जाती है, उसके हिसाब से आपको नाउन को चूज करना होता है। तो जैसे हमेशा होता है, इनके आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड में हैं। जब आप प्रैक्टिस करें आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमको सही नाउन सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चूज करना है। सो लेट्स सी, देयर आर फोर डैश ऑन अर्थ। फोर यानी कि दोबारा प्लूरल की बात हो रही है, एक से ज़्यादा। तो ऑप्शन क्या आएगा? ओशंस। द डैश ऑन द स्ट्रीट वर ऑल न्यूली बिल्ड। जाते रहते हैं ना भाई हम रेस्टोरेंट्स खाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शंस के हिसाब से, स्ट्रीट वर यानी कि वर यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो क्या आएगा सही ऑप्शन? रेस्टोरेंट्स। देयर वर अ पेयर ऑफ डैश लाइंग ऑन द साइड वॉक। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, हमें लगता है कि सॉक्स प्लूरल होता है और अगर हम उसको कट करके सॉक कर दें तो वो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा जब भी हम सॉक्स की बात करते हैं तो वी ऑलवेज रेफर इट एज अ पेयर ऑफ सॉक्स, राइट? क्योंकि एक सॉक तो कोई पहनेगा नहीं, सीधी सी बात है ना? तो इसलिए पेयर ऑफ सॉक्स। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा सही ऑप्शन? सॉक्स। द डैश वॉज डिफिकल्ट टू टर्न ऑन वॉज, यानी कि एक चीज़ की बात हो रही है। तो क्या होगा सही ऑप्शन? रेडियो। That dash taught me how to type. तो यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के सीखने के लिए। तो man यानी कि आदमी, men प्लूरल होता है, man यानी कि सिंगुलर होता है। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें, एक इंसान की बात हो रही है, तो इसकी अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन देखें वो क्या है? उस इंसान ने मुझे टाइप करना सिखाया। तो एक इंसान की बात हो रही है तो सही ऑप्शन क्या होगा? man। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर हो गया। तो जैसे कि हमेशा होता है, आपकी रेफरेंस के लिए आंसर्स अगली स्लाइड में प्रिपेयर्ड हैं, रेडी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वेट करिए, इंतज़ार करिए अगली वीडियो का, जल्दी हम आएंगे। सो हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।